भिंड जिले के उमरी थाना क्षेत्र के किशोर सिंहपुरा से खबर है, जहां पर भिंड विधायक जो कि बाढ़ प्रभावित गांवों के दौरे पर थे, उनको पहले से सूचना मिल रही थी कि उमरी के रास्ते रेत का अवैध परिवहन फर्जी रॉयल्टी से हो रहा है, जो कहीं ना कहीं पावर मैक कंपनी और माइनिंग पर सवाल खड़े करता है। जबकि बरसात में भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस के द्वारा रेत पर प्रतिबंध लगा होने के बावजूद भी गोहत के गुरीखा रॉयल्टी पर अजनार से रेत भरकर उत्तर प्रदेश की ओर ओवरलोड परिवहन किया जा रहा है, ये बात ट्रक ड्राइवरों ने स्वीकार कर ली है। और साथ ही फिलहाल जब तक जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने मोर्चा संभालते हुए मौके पर जाकर 12 ट्रकों को पकड़कर भिंड एसडीएम उदय सिंह सिकरवार को सूचना दी, जिस पर एसडीएम उदय सिंह सिकरवार ने उमरी थाना प्रभारी विनय सिंह तोमर पुलिस बल को साथ लेकर रेत से भरे अवैध और ओवरलोड ट्रकों पर कार्यवाही की। कहाँ से भर के लाए? अजनार से। अजनार से? हाँ। देखिए आज देर शाम आज माननीय विधायक भिंड श्री संजू जी के द्वारा एक शिकायत हमारे को दी गई थी, और उसमें उन्होंने बताया कि रॉयल्टी कहीं की है और ट्रक भर कहीं से रहे हैं, और हमने यहाँ पर आकर ये ढोंचरा के पास किशोर सिंह का पुरा है, यहाँ हमने लगभग 11 से 12 ट्रकों को रॉयल्टियों को चेक किया, और वो सारी की सारी रॉयल्टियाँ गुरीखा गोहत से कटी थी। ड्राइवरों से हमने जब तस्दीक करी और उनसे पूछा जी, तो उनने अपने कथन में बताया कि उन्होंने अजनार लाहार से और मटियावली रोन से जी इन ट्रकों को लोड किया है जी, और रॉयल्टियां इनको गोहद गुरीखा की दी गई हैं जी। अब हमने इन सभी ट्रकों को जब्त कर लिया है और इन पर हम कार्रवाई कर। दरअसल सूचना प्राप्त हुई थी कि गाड़ियां जा रही हैं और कंपनी के द्वारा फर्जी रॉयल्टी काट के गाड़ियों को निकाला जा रहा है, जिसकी सूचना प्राप्त होने पर अपने श्रीमान एसडीएम महोदय के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? एसडीएम के थ्रू कार्रवाई की जा रही है, साथ में अपना पुलिस फोर्स भी मौजूद है, उमरी पुलिस फोर्स, तो साथ में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जा रही है। इनके पास फर्जी तरीके से रॉयल्टी है, वहीं पूरी तरह गाड़ी देखी जाए तो ओवरलोड भी भरी है। हाँ, ओवरलोड भी भरी हुई है कुछ गाड़ियाँ, और रॉयल्टी भी फर्जी बता रहे हैं, तो उन्हीं चेकिंग चल रही है और गाड़ियों को अपन कब्जे में ले रहे हैं सारी गाड़ियों को। कितनी गाड़ी हैं टोटल? अभी तो कुछ गाड़ियाँ हो चुकी, कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ हो चुकी हैं।